मूवी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हेलो, नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सुपरस्टार, पैन इंडिया स्टार और आप कह सकते हैं सहो मूवी। इस मूवी ने इंडिया में फर्स्ट टू डेज में जितना बड़ा धमाल मचाया है, वैसा धमाल आज तक बाहुबली मूवी के सिवाय कोई और मूवी नहीं मचा पाई है। आपने सोचा होगा, चलो इंडिया में ये मूवी इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रही है क्योंकि इंडिया में प्रभास के बाहुबली मूवीज़ के बाद बहुत ज़्यादा फैंस हो चुके हैं। फिर यूएसए के अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊँ, फिर आप सोचेंगे यूएसए में भी इस मूवी के या आप कहें प्रभास के इतने ज़्यादा फैंस हैं कि यूएसए में भी ये मूवी थमने का नाम नहीं ले रही। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जो नॉर्मल ऑडियंस है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिव्यूज से। काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस ऐसी है जो रिव्यूज़ नहीं देखती, मूवी सिर्फ थिएटर में जाती है, पसंद आती है तो बताती है, नहीं पसंद आती तो नहीं बताती। उन लोगों का कुछ लेना देना नहीं है मूवी रिव्यू से। अगर उन्हें एक्शन सीन्स पसंद आए, ग्राफिक पसंद आए तो वो मूवी देखेंगे और अपनी फैमिली को भी दिखाएंगे, अगर नहीं आए तो नहीं देखेंगे। उसी तरह से साहू मूवी के साथ हो रहा है। साहू मूवी को बहुत बुरी, बहुत गंदे तरीके से आप कह सकते हैं ट्रोल किया गया। इसे कहा गया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेकार मूवी। लेकिन जिस तरह से इस मूवी का कलेक्शन आ रहा है, वो इस मूवी को बना रहा है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी के यूएसए के कलेक्शन के बारे में। तो यूएसए की अगर मैं बात करूं तो यूएसए मूवी जमकर कलेक्शन कर रही है। मैं आपको नॉर्थ अमेरिका का कलेक्शन बताऊंगा और यूएसए का कलेक्शन। नॉर्थ अमेरिका मतलब कैनेडा प्लस यूएसए होता है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में मूवी ने अपने फोर्थ डे में ऑफिशियल कलेक्शन किया है 3,45,000 यूएस डॉलर्स। और ये जो कलेक्शन अभी तक आया है ये सिर्फ 9 PM तक का कलेक्शन है। और मुझे लगता है कि जब इस मूवी का फोर्थ डे का फाइनल कलेक्शन आएगा तो वो लगभग 3,50,000 के आसपास हो जाएगा। और अगर वहीं बात करूँ अगर मूवी के टोटल कलेक्शन की, वैसे अगर कन्वर्ट करूँ 3,45,000 को इंडियन रुपीज़ में तो वो होगा 2,15,00,000 इंडियन रुपीज़। और वहीं बात करूँ अगर टोटल कलेक्शन की तो नॉर्थ अमेरिका में मूवी ने टोटल कलेक्शन कर लिया है 22,66,091 यूएस डॉलर्स, यानी कि 16,25,00,000। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही मूवी ने 16,25,00,000 का कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब यूएसए का भी टोटल कलेक्शन बता दूं मैं। वैसे मैंने अभी ये टोटल बताया आपको कनाडा प्लस यूएसए का। अगर आप इसमें से सिर्फ यूएसए का देखें तो मूवी ने अपने फर्स्ट फोर डेज में 20,47,086 यूएस डॉलर्स, यानी कि 14,68,00,000 इंडियन रुपीज़, यानी कि 14,68,000 इंडियन रुपीज़। तो मूवी ने सिर्फ और सिर्फ यूएसए से ही ये धमाकेदार कलेक्शन किया है 14,68,00,000 यूएस डॉलर्स का। तो मूवी बॉक्स ऑफिस में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, खास करके नॉर्थ अमेरिका में। जब और अपडेट आएगी, यूएई की अपडेट या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की अपडेट, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी तक मूवी बॉक्स ऑफिस में फर्स्ट फोर डेज में ज़बरदस्त कलेक्शन करने में कामयाब रही है। तो आपको क्या कहना है सहो मूवी के बारे में, इसके कलेक्शन के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। धन्यवाद। आजकल काफ़ी एक और टॉपिक वायरल हो रहा है क्योंकि आपको पता है आप साहो मूवी इतना परफॉर्म नहीं कर पाए, साहो मूवी अच्छी नहीं थी। तो काफ़ी जो कंट्रोवर्सी वाले पीपल होते हैं जिन्हें कि अपने चैनल पे कंट्रोवर्सी चाहिए या अपने ट्विटर पे इंस्टा टॉपिक को उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि जो हमारी सेंट्रलवुड फिल्म इंडस्ट्री होगी या बॉलीवुड होगी या हिंदी होगी या फिर आप कहें बंगाली या गुजराती या पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री होगी, उन मूवीज़ का कलेक्शन चाहे डब करके भी अगर रिलीज़ की जाए वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तेलुगू में और तमिलनाडु में, तमिल वगैरह में, तो वहाँ पे वो इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करती? और जबकि जो
कन्नड़ा मूवीज होती हैं वो उतनी अच्छा परफॉर्म तमिल में क्यों नहीं कर पाती, वो क्यों कर्नाटका में और हिंदी में ही अच्छा परफॉर्म करती है और ना कि तेलुगू में और तमिल में अच्छा परफॉर्म कर पाती, चाहे डब करके ही रिलीज़ किया जाए। क्योंकि आपने अगर KGF मूवी भी देखी होगी तो KGF से भी ज़्यादातर कलेक्शन जो आया था वो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका स्टेट से था और हिंदी स्टेट से था, बाकी तेलुगु स्टेट से काफ़ी कम कलेक्शन था और अगर आप देखें तमिल स्टेट से वहाँ से भी काफ़ी कम कलेक्शन था, तो और हिंदी मूवीज़ का भी बहुत कम कलेक्शन आता। तो ऐसे नए नए टॉपिक अब लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको उस पर एक वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर।